हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, और जो कि बहुत हेल्दी है क्योंकि वेजिटेबल्स का यूज़ मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये ले लिया है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम ये मैंने बेसन लिया है, और ये मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब ये मैंने लिया है चावल का आटा। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। साथ ही ये मैंने ले ली है बेल पेपर, यानी कलरफुल वाली जो शिमला मिर्च होती है, रेड वाली शिमला मिर्ची, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी येलो वाली शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर, ये बीन्स और थोड़ा सा हरा धनिया। आपको जो सब्जी पसंद है आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जो ना पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप इसमें और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने थोड़ी सी बीन्स ले ली, और साथ ही मैंने ले ली है ये इनो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ये एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी ये बेसन। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था। मुझे इस तरीके के नाश्ते बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ होता है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा कीजिए, मैं इस तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो देखिए, ये मैंने चावल का आटा भी ले लिया है, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं स्पून से। इसके साथ ही जो भी है मैंने सब्जियां ली हैं, सारी सब्जियों को हमें डाल देना है। सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। और इसके साथ ही सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हींग, और हाँ अगर आप प्याज खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, टेस्ट के हिसाब से नमक, और बहुत थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। याद रखें कि हमें एक साथ बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा और। तो देखिए, हमारा ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। ऐसा ही हमें चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। और इसको अब हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, थोड़ी सी ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए। इधर देखिए, बैटर को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी ये इनो। पूरी नहीं डाली है मैंने अभी, थोड़ी सी ही डाली है, और थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उधर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने रख दिया है पैन, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो बटर का यूज कर सकते हैं, ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी का यूज किया है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी राई। राई अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे ये बैटर। और हाँ, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो उसका यूज जरूर कीजिएगा, उससे ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने बैटर डाल दिया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर सिकने के लिए छोड़ देना है। ये बहुत अच्छे से फूल जाए, इसे सिकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार हल्का सा किनारों से हटाकर। तो देखिए, बहुत अच्छे से ये निकल रहा है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो बस अब मैं इसे पलट दूंगी।
और हम इसे इस साइड से भी, या बटर जो आप यूज कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ से भी इसे सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे पलट लूंगी। तो देखिए ये इस साइड से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए ये पूरी तरीके से सिक चुका है, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। कितना बढ़िया ये सिक कर तैयार हुआ है। इस तरीके से ही देखिए मैंने वापस से कढ़ाई में, इसमें पैन में ऑयल डाल दिया है यानी घी, और साथ ही मैंने डाल दी है राई। तो इसके साथ ही मैं इसमें और बैटर डाल दूंगी जो हमारे पास बचा हुआ है। बैटर मैंने डाल दिया है, ऊपर से मैं डाल दूंगी जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और वापस से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने इसे पलट दिया है अच्छे से, और वापस से मैं इस पर डाल दूंगी घी हल्का सा। देखिए मैंने इसे दूसरी तरफ से भी पलट दिया है, तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूंगी। दोनों ही ये सिककर तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। देखिए मैंने ये इधर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और मैं इसे ले लूंगी। अब लेंगे पिज्जा कटर। और इसको मैंने काट दिया है 4 पीसेस में। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ये बेसन का नाश्ता बनकर तैयार है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। रेसिपी बहुत इजी सी है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और देखने में भी ये कलरफुल सब्जियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, तो रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर।